नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पर। आज मैं पोई और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो कि पोई और मैंने पोई के पत्ते कैसे तोड़ लिए हैं और उसकी डंडियों को छील लिया है। रात में मैंने उसको धो के रख लिया था। कॉज मैं करती हूँ जो अब आपको मैंने बताया था, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रात में ही रेडी करके रखनी पड़ती हैं। मैंने प्याज भी काट लिए थे, लहसुन भी, और अब मैं इसको साग को काटने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे काटा है साग। साग को मैंने काट लिया है, अब देख सकते हैं आप मैंने कैसे साग काटा हुआ है। अब मैंने आलू भी धो लिए थे, तेल को गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे जीरा और मिर्च, लाल मिर्च। प्याज और लहसुन जो मैंने काटे थे वो मैंने डाल दिए हैं। इसको लाल होने तक भुनेंगे और फिर डाल देंगे इसमें आलू। आलू को मैंने डाल दिया है, अब इसको भी हम लाल होने देंगे। फिर डाल देंगे इसमें सारे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। मैं इस सब्ज़ी में पानी नहीं डालूंगी, ये साग में अपने आप थोड़ा पानी होता है तो उसी से ही पकने देंगे। टमाटर डाल दिया है मैंने इसमें, और इसमें नमक भी मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। तो मैं कह रही थी कि इसमें हम जो है पानी नहीं डालेंगे, ये अपने आप ही पकेगा। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, एक से दो सीटी आने तक ही पकाऊंगी। इसको कर दिया मैंने मिक्स और ढक्कन को लगा दूंगी, और दो सीटी आने तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही दो सीटी आने में पक जाएगा। ये आप देख सकते हो पोई की सब्ज़ी, आलू और पोई की सब्ज़ी कैसी लग रही है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।